अस्सलाम वालेकुम, मैं लाइफ स्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज क्या व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आज 14 अगस्त का तो दिन है, लेकिन आज के दिन ना बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज मैं दो गमों में मुबतला होती हूँ। एक तो मेरे प्यारे 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 बाबा जानी मुझे छोड़ कर इस दुनिया से चले गए थे, और दूसरा मेरा बिल्कुल जवान भाई भी इसी दिन इस दुनिया फ़ानी से चला गया था। दुख तो बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या करें, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं और सब्र करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों की रिप्लेसमेंट होती है। लेकिन इंसान वाहिद वो शख्सियत है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आज ही मैं उनकी दुआ करवा रही थी। अब्बू को चने की दाल और गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, या सिर्फ चने की दाल की भी वो अक्सर फरमाइश करते थे, और लीमू वाले चार के साथ बहुत ही शौक से खाते थे। तो ये तो एक खुशबू ही है जो उन तक जाएगी इंशाल्लाह जी। मेरा यकीन है कि वो वहाँ पर जन्नत के सारे मेवे और सारी जो वहाँ की नेमतें हैं वो अल्लाह पाक उन सबको दे रहे होंगे, क्योंकि मेरा अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। और दूसरी तरफ ही मैं बना रही थी क्रीम चाट, क्योंकि चाट जो थी ना वो मेरे भाई को बहुत पसंद होती थी, वो चाट बहुत शौक से खाते थे। मुझसे बड़े थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अल्लाह ताला कुल मोमिनीन व मोमिनात को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, और अल्लाह ताला जो लोग जिंदा हैं इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें, और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करें। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर करें। माँ बाप जैसा तो कोई मुखलिस रिश्ता आपको कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े कहते हैं ना औलाद बेवफा हो जाती है, लेकिन माँ बाप कभी बेवफा नहीं होते। और यही मिसाल है आपके बहन भाइयों के लिए। बहन भाइयों का भी रिश्ता ऐसा ही है, क्योंकि हम अपने माँ बाप के खून से हमारी नस्ल चली है, तो ये मोहब्बत भी अल्लाह ने लाजवाल ही रखी है। बस ये है कि शादी के बाद कोई बदलता नहीं है। मेरा मानना यह है कि इंसान जब दूसरी फैमिली में जाता है और वहाँ के तौर तरीके उसे अपनाने पड़ते हैं ना, शादीशुदा लोगों के लिए ये थोड़े से मसले बन जाते हैं। बहरहाल जाने अनजाने में जो भी गलतियां होती हैं, एक दूसरे से दरगुजर करें, उन्हें माफ़ करें और अपना दिल खोलें, दिल बड़ा करें, क्योंकि जब कोई चला जाता है ना तो फिर जो बाद में पछतावा होता है उससे बेहतर है कि हम ज़िंदगी में ना इग्नोर करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, रहम दिली से रहें और आपस में सलूक इतफाक़ से रहें, ताकि हमें कभी कोई पछतावा ना हो। जी यहाँ पे मैंने सारी ही दुआ के लिए चीज़ें जो है पहले किचन में रेडी करके रख ली थी, और इसमें मैंने क्रीम चाट बनाई है, फ्रूट चाट, क्रीम फ्रूट चाट बनाई है। साथ में मैंने चने की दाल और गोश्त का सालन बनाया था, रोटी बनाई है साथ में पराठा, और इसके साथ ही मैंने जो है दूध रखा है, और साथ में मैंने जूस बना लिया था टैंग दुआ के लिए। वही बेसिक चीज़ें जो आप सब मुसलमान मेरे बहन भाइयों को तो पता ही होंगी कि हम दुआ में रखते हैं, फ्रूट्स रखे थे। बस ये तो एक उनको तोहफ़ा देने का बहाना होता है ना, क्योंकि मरने के बाद जो है ना बेहतरीन तोहफ़ा यही है कि हम उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें। बस बाकी खुशबू जाती है, चीज़ें सब यहीं रह जाती हैं, उनके दर्जात और उनको अल्लाह ताला सिर्फ इसी चीज़ का सवाब देते हैं जो हम दुआ करते हैं। और चले जी अब दुआ शुरू हो रही है, उसमें शामिल हो जाते हैं। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور جی دعا وغیرہ کروانے کے بعد تقریباً لیٹ نائٹ ہی تھا, ہم باہر چلے گئے, ہم نے کہا چلتے ہیں تھوڑا سا باہر موسم کو بھی انجوائے کریں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے جشن آزادی کے موقع پر. اور راولپنڈی میں بے بہار رش ہونے کی وجہ سے ہم آگے اسلام آباد, اور اسلام آباد میں بھی بہت رش تھا, کافی گھومے پھرے. اور واپسی پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں جو راولپنڈی کی طرف ٹریفک جا رہی ہے کس قدر رش ہے, بہت ہی زیادہ رش تھا, شور شرابہ تھا بے بہا, ایسے لگتا تھا سارا راولپنڈی اور اسلام آباد باہر نکل آیا ہے. بہت ہی زیادہ خوشی ہے الحمدللہ سے, جی ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور الحمدللہ سے ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں. الحمدللہ الحمدللہ یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو نیک کرے, ایماندار بنائے اور جو ہے اپنے ملک کے لیے وفادار بنائے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور انہیں دین اور دنیا میں جو ہے نا ترقی دے, اور ان سب کی مشکلوں کو آسان کرے, اور ایک دوسرے کا احساس خیال کرنے کی ہمیں توفیق دے, اور اللہ تعالی ہم سب ایمان والوں کا خاتمہ ایمان پہ کرے, اور اللہ تعالی ہماری مشکلات میں آسانی کرے. آمین یا رب العالمین. اور فائنلی جی ہم شور شرابے اور ٹریفک سے تھوڑا سا آسانی کے ساتھ پہنچ گئے ہیں روڈ پہ. یہاں بھی رش ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. یہیں کرتی ہوں اپنے ویلاگ کا اینڈ, امید کرتی ہوں آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں, اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.